इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्ल हाउ डाइवर्सीफिकेशन इज़ डन इन बिहेवियोरल फाइनेंस या बिहेवियॉरल फाइनेंस में जब हम इैशनल डिस को कंसिडर कर रहे हैं कि जो इंडिविजुल्स हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से असरअंदाज होकर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में फ़ैसला साजी करते हैं वो डायवर्सीफिकेशन कैसे करते हैं तो डायवर्सीफिकेशन इन दिस कॉन्टेक्सट इज ऑफ टू टाइप्स एक डायवर्सीफिकेशन को हम कह रहे हैं नाइव डाइवर्सिफिकेशन इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास अगर वो दो तरह के मुख्तलिफ़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई भी इन्वेस्टर तो बिहेवियरल फाइनेंस कहती है कि वो अगर वो नाइव डाइवर्सिफिकेशन के अप्रोच को फॉलो कर रहा है तो वो सिंपली क्या करेगा वो दो हैं तो उसको आधे पैसे वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देगा बाकी के आधे पैसे वो दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर देगा सो इफ ही हैज़ गॉट नाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ हिम अगर हम उनको एन बोलें कि टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें उसने डिसाइड किया है कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो देन हर एक में वन ओवर एन हिस्सा ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा एंड दैट इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि वो आधा आधा पैसा या अगर तीन तरह की इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को तो वो वन थर्ड एक में डालेगा वन थर्ड दूसरी में डालेगा वन थर्ड तीसरी में डालेगा तो दिस इज़ वन वे ऑफ सेग्रीगेटिंग और गोइंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल फाइनेंस तो दूसरा तरीका ये है दूसरा तरीका ये है इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का बिहेवियरल फाइनेंस के अकॉर्डिंगली के पीपल पफ टू इन्वेस्ट इन द फेमिलियर वो सिर्फ उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में उन शेयर्स में या उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो उनको फेमिलियर लगते हैं उनको फेमिलियर का मतलब है कि अगर उनके जो कॉलिग्स uh, ने अगर किसी uh, किसी फाइनेंशियल कोई स्टॉक्स लिए किसी कंपनी के या उनके रिलेटिव्स में किसी ने लिए हैं या उनके घर में किसी और इंसान ने इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड स्क्रीनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शन दे जस्ट गो बाय द सेम सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वो वही वाली तरह की इंस्ट्रोमेंट्स um, के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उन्होंने इधर उधर से सुना होता है सुनी सुनाई बातों को कंसिडर करके दैट इज़ बिकॉज दे डोंट नॉट वॉन्ट टू टेक अ हायर लेवल ऑफ रिस्क एंड दे आर इराशनल और वो बिहेवियरल फैक्टर्स से असरअंदाज होते हैं तो हमने हम देख सकते हैं कि दे गो फॉर दोज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो कि दे विच सीम टू बी मोर फेमिलियर टू देम और इफ़ वी लुक एट द ओवरऑल बिहेवियर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अराउंड द ग्लोब वी सी दैट यूजली पीपल गो फॉर फेमिलियर लोकल मार्केट्स सिर्फ जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं है अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो वो अपनी ज़्यादा जान पहचान वाली मार्किट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं लोकल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं अगर सपोज़ उनको इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी फाइनेंस की बेटर रिटर्न मिल रही है ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा है वो उसमें जाना पसंद नहीं करते लेकिन लोकल मार्केट में अगर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं भी मिल रहा तो बिकॉज दे आर मोर फमिलियर टू द लोकल मार्केट दे आर मोर फेमिलियर टू द लोकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए वो अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इन्हीं चीज़ों में डाल देते हैं और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस को नहीं तलाश करते उसमें नहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ नहीं करते